नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद वापस अपनी सेकंड ग्रेड की क्लास शुरू हुई है। काफी सारे विद्यार्थी बहुत सारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी ही रीट परीक्षा भी दिए थे, तो उन लोगों के लिए अपन ने क्रैश कोर्स चलाया था, आप लोगों को पता है। और क्रैश कोर्स कितना फायदेमंद हुआ ये भी आप सभी जानते हैं। तो जिस उद्देश्य के साथ में उसे चलाया गया था, वो उद्देश्य अपन ने कहीं ना कहीं पूरा किया है। तो विद्यार्थी अभी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। मारवाड़ी में क्या है तो गणा जणा जुड़िया अबार अबार में, ठीक है। तो इसीलिए अब साथियों अपनी क्लासेस फिर से नियमित रहेगी। आपको शेड्यूल बता दिया था, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं था उन्हें वापस बता दूं, सोम मंगल बुध को आपके सेकेंड ग्रेड की क्लासेस रहेगी, फिर आपके गुरु शुक्र शनि को फर्स्ट ग्रेड की रहेगी, उसमें भी शनिवार को वस्तुनिष्ठ रहेगी जो राजस्थान की स्पेशल होगी, यानी कि वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि दोनों का राजस्थान वाला सिलेबस कल्चर वाला जो है वो सेम है, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। संडे को आपकी वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि आपके जो सप्ताह में पूरा चला है कार्यक्रम अपना, उसकी अपनी वस्तुनिष्ठ रिविजन क्लास रखेंगे। इस तरीके से अपना पूरा साप्ताहिक शेड्यूल रहेगा। छुट्टी मारे है ही कौन, तो थे भी छुट्टी राखोला कौन, ठीक है। यानी कि आप लोगों को कंटिन्यूटी रखनी है, नियमितता जितनी रखोगे उतना फायदा है। साथियों आप लोग अब देख चुके हो नियमितता का परिणाम क्या होता है, तो नियमितता रखनी जरूरी है। चलिए आज अपना जहां पे अपनी क्लास छोड़ी थी 151 क्लास, ठीक है, तो जहां क्लास छोड़ी थी साथियों ध्यान देना, इससे पूर्व सेकेंड ग्रेड की कंटिन्यू कहीं कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट खोलनी है, सिर्फ जाकर वहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे पूर्व 151 क्लासेस पूरी पूरी डाली हुई है, क्रमबद्ध तरीके से थंबनेल पर नंबर लगे हुए हैं, टाइटल में नंबर लगे हुए हैं। आज की जो क्लास है साथियों वो 152वीं क्लास है, ठीक है। जहां पे अपन ने छोड़ा था वहीं से फिर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और अब आगे वापस ये कंटिन्यू ही रहेगी। बहुत जल्दी 70% कोर्स अपन पूरा कर चुके हैं, बहुत जल्दी ये बाकी बचा हुआ कोर्स पूरा हो जाएगा। साइकोलॉजी भी पढ़ाऊंगा मैं, फर्स्ट ग्रेड में शैक्षणिक प्रबंधन वो भी पढ़ाने का इरादा है। देखिए ईश्वर कितना साथ देता है, महादेव की कृपा कितनी रहती है, उतना ये व्यक्ति जो आप देख रहे हो वो पूरा समर्पित है आप लोगों के लिए, उतना जितना महादेव ने चाबी भर के भेजा है उतना पूरा पूरा मैं प्ले कर दूंगा, ठीक है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। अपन ने झील अपवा वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था भारत की, भारत के भूगोल के अंदर, और आज अपना टॉपिक है भारत की वनस्पति, ठीक है। तो ये दो क्लासेस में पूरा हो जाएगा, एक अभी आज की क्लास है और एक अपनी कल की क्लास आएगी, तो उसमें आंकड़े डिटेल वगैरह वो बता दूंगा, ठीक है। आज की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और प्रश्न बनते हैं, ठीक है। क्लास भी कोई ढंग से देख के नोट्स बना लेना तो काफी सारे प्रश्न उसके सही हो जाएंगे, क्योंकि अपन उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। चलिए साथियों कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ जो होते हैं ना बिंदु, वो यानी कि जो भूमिका होती है, ठीक है, जो भूमिका होती है क्लास की, वो आवाज मेरे हिसाब से, चलिए, तो क्लास की जो भूमिका होती है स्टार्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि शुरुआत के जो फैक्ट होते हैं ना उसमें से ही काफी सारे प्रश्न तो बन जाते हैं। ध्यान से एक एक चीज को अपन देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले भारतीय वन सर्वेक्षण जो कार्यालय है भारतीय वन सर्वेक्षण का, वो कहाँ है, यहाँ भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय है वो कहाँ है, सबसे पहला ही प्रश्न वनस्पति से संबंधित ये आ गया, ठीक है। तो ये वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन उत्तराखंड में भी साथियों ध्यान रखना देहरादून के अंदर है। अब द्वार से दून तक आपने पढ़ा है, और ये कहाँ है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूके, लेकिन आपको यूनाइटेड किंगडम नहीं जाना है, आपको उत्तराखंड जाना है, बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। और यदि आपको मसूरी घूमने जाना है तो आप देहरादून और उसके बाद में मसूरी जाइए, मसूरी से देहरादून का दृश्य बहुत शानदार दिखता है, रात के समय ऐसे लगता है जैसे लाखों दीप एक साथ जलाए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देख के आ चुका हूँ, ठीक है। तो देहरादून राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, यदि इसको मैं NERI ये लिखूं तो भी सही है, क्यों, नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक तो ये है, एक होता है नीरी, ठीक है ना, नीरी NEERI, वो क्या होता है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ठीक है, वो हो गया, यानी कि आपके राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, वो हो गया। तो इन दोनों का मुख्यालय, यानी कि वो नीरी जो कह रहा हूं और ये जो लिखा है, इन दोनों का मुख्यालय साथियों कहां है? नागपुर के अंदर। कहां है? नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र। किस लिए प्रसिद्ध है नागपुर? संतरों के लिए, है ना। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि संतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पे याद रखना बहुत आसान है, याद रखना आसान कैसे, नीरी एन से शुरू हो रहा है, ठीक है। वैसे राष्ट्रीय में सारे एन से शुरू होंगे क्योंकि नेशनल, लेकिन अपन यहां पे, मैं आपको जो फैक्ट मतलब लिंक करके देता हूं वो आपके हमेशा फिक्स हो जाता है। तो यहां पे अपन एन से इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो यहां पे ये नागपुर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार की नई वन नीति कब जारी की गई? तो नई वन नीति का साथियों ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1988 आपको ध्यान रखना है। 1952 वाली जो वन नीति थी उसके बाद में परिष्कृत करके 1988 के अंदर नई वन नीति जारी की गई। और 1988 की वन नीति के अंदर क्या क्या प्रावधान थे, क्या इसमें किया गया, सतत पोषणीय विकास वगैरह सब वो अपन अगली स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं। पहले यहाँ पे सीधा सीधा आपको ये ध्यान रख लेना। फिर साथियों एक प्रश्न बनता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो कहीं नहीं करना, आपने पहली लाइन में जो देहरादून लिखा है ना, इसको वापस यहाँ पे लिख देना है, देहरादून। अब पहली लाइन वाला वो प्रश्न वापस पढ़ो, भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है, देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी अनुसंधान फॉरेस्ट से संबंधित, किससे संबंधित, वन से संबंधित। तो फिर वापस आ जाना है आपको कहाँ पे, देहरादून के अंदर, ठीक है। देहरादून कहाँ है? यूके के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये वैसे ये कहा जाता है कि जुलाई का प्रथम सप्ताह, लेकिन सप्ताह तो अपन देखते हैं तो फिर सोमवार से और ऐसे शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 1 से 7 जुलाई, यानी कि पहले के 7 दिन, ठीक है, 1 से 7 जुलाई। और ये 1960 से ये वन महोत्सव वाला ये चीज जो है वो शुरू हुई थी, के एम मुंशी द्वारा ये शुरू की गई थी। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री थे और उनके द्वारा शुरू की गई, ठीक है, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। तो इन्हें वन महोत्सव का जनक या वन महोत्सव का पिता भी कहा जाता है, जो मैंने शायद इस स्लाइड पे शामिल नहीं किया, अगली स्लाइड पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं, मैं हमेशा अपनी क्लासेस सारी की सारी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे रही है, ताकि विद्यार्थियों के पास में एक बढ़िया तरीके से नोट्स चले जाए, क्योंकि बोल के बताई हुई चीजें उनको इतनी याद नहीं रहती, 2 दिन याद रह जाएगी लेकिन बाद में याद नहीं रहेगी। तो 1 से 7 जुलाई ये ध्यान रखना। भारत में जैव विविधता की अवधारणा देने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे साथियों वो नॉर्मन मेयर्स थे, और नॉर्मन मेयर्स ने ये जो अवधारणा दी थी वो भी 1988 के अंदर दी है, ठीक है, 1988 के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इतने सारे फैक्ट आपको निकल के सामने आ गए, और ये जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है ना, आप लोगों को ये चीजें याद होती जाती है, ये मुझे पता है, ठीक है। भारत में जैव विविधता तप्त स्थल, अब जैव विविधता स्थल क्या है, जहां पे बहुत ज्यादा तप्त स्थल, किसको कहते हैं, हॉटस्पॉट, यानी कि बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है तो वो तप्त स्थल के अंदर आ जाते हैं। भारत में देखे जाए तो वैसे 4 स्थल है, लेकिन मुख्य तौर पर सबसे प्रधान देखे जाए या सबसे प्रमुख देखे जाए तो वो 2 ही है, लेकिन वैसे 4 है, ठीक है। तो 4 में कौन कौन से आ गए, एक तो पश्चिमी घाट आ गया, ठीक है, एक पूर्वी हिमालय क्षेत्र आ गया, एक इंडो बर्मा क्षेत्र आ गया, और एक सुंडालैंड। यानी कि पूर्ण रूप से भारत के देखे जाए तो ये 2 ही है, ठीक है, जो पूर्ण रूप से भारत के, पश्चिमी घाट जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा फिर इंडो बर्मा क्षेत्र, तो इसमें क्या हो गया कि अपने म्यांमार और ये वियतनाम थाईलैंड वगैरह ये वाले सारे देश, इनके भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और सुंडालैंड कह दो या सुंदरलैंड भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र जो है उससे संबंधित क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। तो ये 4 हॉटस्पॉट है, तप्त स्थल है, ठीक है। भारत में यदि देखा जाए, अब देखो 1999 के अंदर 25 हॉटस्पॉट की सूची जारी की गई थी, उसके बाद में वर्तमान में यदि देखा जाए तो विश्व के अंदर 34 हॉटस्पॉट है, ठीक है, उसमें से ये 4 तप्त स्थल जो है वो भारतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अब यदि देखा जाए साथियों, वनस्पति चल रही, तो सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो अपने मध्य प्रदेश के अंदर है, और न्यूनतम वन हरियाणा के अंदर है। अब यदि मेरे जैसा किसी खुरापाती दिमाग है तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर पंजाब हरियाणा तो मतलब बहुत
हरियाली वाले क्षेत्र है, फिर वहां वन कम क्यों है, ये प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा बनता था। तो इसका उत्तर ये है साथियों कि वहां पे कृषि ज्यादा होती है, यानी कि फसलें ज्यादा उगाई जाती है, वन कम होते हैं, ठीक है ना। ये पंजाब हरियाणा की खासियत है कि वन्य भूमि कम है, कृषि ज्यादा होती है, खेती ज्यादा होती है, हरियाली देखने को मिलेगी, अनाज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पे ये जो है आपके न्यूनतम वन हरियाणा के अंदर वर्तमान में है, ठीक है। तो ये स्लाइड अपनी हो गई है पूरी, आज की क्लास अपने शुरू कर दी है वापस विधिवत, जो बैक ट्रैक अपन ने जो जिस पैटर्न से अपना जो ट्रेडमार्क पैटर्न है वो चल रहा था उसी पे अपन वापस आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पे, ये भी बहुत सारे फैक्ट आपके काम के हैं। देखो साथियों मेरी तरफ से क्लास पूरी कंटिन्यू रहेगी, हाँ श्रावण महीने के हिसाब से यदि किसी दिन कोई वीकनेस वगैरह ऐसी कुछ लगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे सूचित कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके कहीं भी मतलब क्लास के अंदर गैप न रहे, तो वो मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि अभी जो है मैंने आप लोगों के लिए छुट्टियां ली थी अवैतनिक, लेकिन विद्यार्थियों के पेरेंट्स और बहुत सारे मतलब स्टाफ की तरफ से और बहुत ये, क्योंकि स्टार्ट में है ना बच्चों को बहुत जरूरत होती है स्कूल के, तो मैंने वापस स्कूल भी ज्वाइन कर ली है क्योंकि स्कूल के बच्चों को भी बहुत जरूरत है। और ये स्टार्ट की दिन जो है मैं भी दूर नहीं रह पाया ज्यादा स्कूल से, तो मैंने विद्यालय ज्वाइन कर लिया है वापस, और आप लोगों की क्लासेस भी कंटिन्यू देने की कोशिश करूंगा। वन लाइनर है वो भी टाइम पे देने की कोशिश करूंगा, टेस्ट सीरीज भी टाइम पे देने की कोशिश करूंगा। अब ये सारी चुनौतियां हैं जो आप लोगों के लिए स्वीकार्य है और करनी पड़ेगी, स्वीकार क्या करें, मारवाड़ी में क्या कि मामे रो ओड़ी हो तो बरनो ही बड़ी हम, ठीक है। चलिए 1988 की जो अभी अपन ने वन नीति जो पढ़ी है साथियों, नवीनतम वन नीति, उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वो क्या क्या है, वो ये है कि सरकार सतत पोषणीय विकास पर बल देगी। सतत पोषणीय विकास, अब यहाँ पे आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आप ये चीज जानते हो कि सतत पोषणीय विकास क्या है, यानी इन शॉर्ट में तो सभी चीजों को साथ में लेकर चलना कि वन संपदा भी फले फूले और मानव संसाधन भी फले फूले, तो ये सब साथ में सभी का मतलब सतत पोषणीय विकास ये है कि संसाधनों का उपयोग इस तरीके से किया जाए कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उन संसाधनों का उपभोग कर पाए, इन शॉर्ट यही है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब संसाधन मानव भी संसाधन है, सारी चीज जो भी अपन आसपास देखते हैं सारी चीजें संसाधन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सतत पोषणीय विकास मुख्य बिंदु रहा है, और क्या है, देश के 33% भूमि पर वन लगाना है, अभी है नहीं, है तो 21.5% पर ही है, लेकिन टारगेट ये है कि 33% पर वन होना चाहिए, तब अपनी बिल्कुल सही जो है अपना पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है, पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों पर वन लगाना, अब ये संतुलन बनाने के लिए ये चीज जरूरी है, ठीक है। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना, तो ये एक सामान्य चीज है जो इसमें शामिल की गई है, ठीक है ना, इसके हिसाब से ये जरूरी है। वनों की उत्पादकता को बढ़ावा देना और वृक्षारोपण करना और कटाई पर रोक लगाना, और इन अभियानों में महिलाओं को भी शामिल करना, ठीक है, जिससे जागरूकता पूरी तरीके से बनी रहे। देखो एक माँ, एक महिला जो है, एक माँ अपने बच्चों को जो संस्कार जो शिक्षा देती है ना वो बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, तो इसमें इनको इनको भी शामिल करना, ये इसके अंतर्गत थे। अब इससे प्रश्न कैसा बनता है कि गुरु जी ये आपने बता तो दिए लेकिन इससे प्रश्न कैसा बनता है, इससे प्रश्न बनता है अवधारणात्मक, जिसमें आपको जो आज पैटर्न चलता है ना अपना, तो ऐसे आपको टेस्ट सीरीज में भी ऐसे सवाल दिए गए, यानी अवधारणात्मक में कैसा है, कथन कारण वाले भी आ जाते हैं, तीन चार चीजें आ जाती हैं उसमें से एक निकालना है, वहां पे फिर दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं थोड़े ज्यादा। फैक्चुअल आता है तो याद है तो कर दिया, नहीं है तो दैन मिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अवधारणात्मक है, ऐसे प्रश्न छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती और करते हैं तो रिस्क भी फुल रहती है, तो ये चीजें हैं ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। वन महोत्सव के जनक अभी मैंने आपको बताया, तो के एम मुंशी है 1960 के अंदर ये चीज निकल के बाहर आई, ये उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री थे और इन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया, वन महोत्सव की शुरुआत की, एक पहल की, तो के एम मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनके द्वारा ये चीज की कर रखी है, जो अपन है ना भारत के राजस्थान के एकीकरण में इनको और राजस्थान के से संबंधित बहुत बार अपन ने पढ़ा है इन्हें, ठीक है। देश के कुल क्षेत्रफल के ये लिखा हुआ है 21.71, ठीक है, यहां वापस लिख देता हूं मैं 21.71%, ठीक है ना, 21.71% पर वनावरण है। अब मैं ना कल इसके पूरे फैक्ट आंकड़े आंकड़े वाली क्लास कल दे दूंगा
कि नवीनतम जो आंकड़े हैं जो आपको ध्यान रखना है वो कल होगी, आज अपन वनों का वर्गीकरण और ये चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत पूछा जाता है चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है या चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है, वो चिपको आंदोलन के प्रणेता है। हुआ ये था कि उत्तराखंड के अंदर आपको पता है टिहरी बांध है, टिहरी बांध को बनाने के लिए यानी कि वहां के वनों को साफ करने की नीति बनाई गई, तो वहां पे जो है इनके नेतृत्व में वहां पे वनों को काटने से रोकने के लिए आंदोलन हुआ, ये चिपको आंदोलन था। वृक्षों को चिपक गए थे लोग कि या तो काटना है तो हमें भी साथ में काटें। इससे पहले इतिहास के अंदर राजस्थान में ये घटना देखने को मिली थी जब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व के अंदर जो है खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा बलिदान दिया गया था, जिसमें अपने अमृता देवी की बेटियां आंसू, भागु और रतनी, ये जो है आने वाले समय में पूछा जा सकता है, और इनके पति थे रामोजी बिश्नोई, तो पूरा परिवार इन्होंने बलिदान दिया था। और ये तो है, मैंने स्थल आपको स्पेशली टेलीग्राम पे और वगैरह क्यों बताया भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे गया था अभी कुछ समय पहले ही, तो मैंने इनकी वो चीज पूरी आपको अभिलेख और वो सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है ना। अब जो पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें निरंतर फायदा मिला है, ठीक है। चलिए, ये सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध उत्तराखंड में चलाए गए चिपको आंदोलन से, ठीक है। यूएनओ द्वारा 2011 को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया, ठीक। चलिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कार्यालय साथियों कहां है पूछे तो ध्यान रखना कोलकाता के अंदर है, एक फैक्ट है जिसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आ जाता है साथियों अपना वनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो भारतीय वनों को देखा जाए मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से देखो सबसे पहला है आपके उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन, ऐसे कोई नंबर नहीं है इसका, पहला दूसरा मैंने लिखा है ऐसे, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन मैंने इसलिए इसको सबसे ऊपर लिखा है क्योंकि ये सर्वाधिक है, ठीक है ना, ये सर्वाधिक है। अब देखो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन है ना, यहां से देखो ये वाला है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन, तो इसका कलर जो देख रहे हो यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है ये, ठीक है। तो ये सर्वाधिक है भारत के अंदर, ये प्रश्न बना था अभी रीट के अंदर, ठीक है। तो ये वाले वन सर्वाधिक है, ठीक। अब देखो अगला दूसरा जो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार यानी कि शुष्क पतझड़ वन भी कह सकते हो इनको, कांटेदार वन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन, ये देखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन, अभी इससे जो हल्का कलर है ना, तो इससे हल्का कलर है आपका ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये देखो इससे हल्का कलर है वो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, यानी उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पढ़ रहे हैं अपन। एक तो ये क्षेत्र आ गया और एक आपके आ गया ये क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान वाला, यानी कि मरुस्थली वन वगैरह वो भी इसके अंतर्गत ही आ गए आपके, ठीक है। तो ये एक ये हो गया अपना, एक ये हो गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है साथियों आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। अब जैसा नाम है वैसा ही सदैव हरे भरे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है क्योंकि सदैव हरे भरे हैं। तो यहाँ पे ये देखो ये जो गहरा कलर है इससे भी गहरा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी पेन चेंज करके आपको, और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो यानी पश्चिमी घाट है ना, और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो यहाँ पे, और इसके अलावा ये थोड़ा सा उड़ीसा वाला, ये यहाँ पे ये क्षेत्र उड़ीसा के आपके ये वाला आ गया जैसे पश्चिम बंगाल, और ये पूर्वोत्तर वाला थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आपके आ जाता है, ठीक है। ये फिर इसके बाद में साथियों है आपके पर्वतीय वन, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिया है ज्वारीय, मैंग्रोव, जो वेलांचली वन कहते हैं, अनूप वन कहते हैं, तो यहाँ से ये अपन देख लेते हैं यानी कि ब्लैक स्पॉट जो दे रखे हैं आपके इसके अंदर वो चीज, ठीक है। तो ये देखो ये ब्लैक स्पॉट, एक तो यहाँ पे आपके सुंदरवन वाला क्षेत्र आ गया यहाँ पे, और ये आपके आंध्र प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र, यानी कि तटीय जो क्षेत्र है, ज्वारीय क्षेत्र, दलदली वन होते हैं जो डेल्टाई क्षेत्र है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, मैंग्रोव वन वहां पे होते हैं। तो ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट के अंदर है वो आपके हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। इसके अलावा अब फिर अंतिम बचा अपने पास में कौन सा, पर्वतीय वन। तो दिखती बात है पर्वतीय वन है तो पर्वत जहां होंगे वहां पर्वतीय वन अधिक होंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा पर्वतीय वन जो पाए जाते हैं साथियों वो आपके हैं हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये हिमालय वाला क्षेत्र आ गया,
पूर्वोत्तर वाले राज्य के अंदर ये यहाँ पे आ गया आपके, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास। और थोड़े सी जो है यहाँ पे, ये इस नक्शे में बताए हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो पहाड़ियां हैं उसमें भी ये, जैसे कि आपके नीलगिरी की पहाड़ियां वगैरह हैं, वहां पे भी थोड़े ये प्रतिशत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका सामान्य वर्गीकरण है जो आपको समझना है। अब अपन इसमें से एक-एक चीज को वापस समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आप वापस बाद में अच्छी तरीके से आप देख लेना, हो सकता है मेरे कहीं बताने में चूक रही हो, वैसे रही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। चलिए अब आ गए अपन अगली स्लाइड पे। अब सबसे पहला नंबर अपन ने वापस ले लिया, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन। जैसा इसका नाम है, पर्णपाती यानी कि पत्ते जो है वो गिरते हैं, ठीक है, बाद में गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, पर्णपाती वन है। अब देखो ये कौन से वर्षा चक्र में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 100 से 200, लेकिन कोई फिक्स 100 से 200 जरूरी नहीं है, ये 70 से 200 तक में भी पाए जाते हैं। कैसे मैं बताता हूं, क्योंकि दो भागों में, देखो जल की उपलब्धता के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। नंबर एक तो आ गए आपके आद्र पर्णपाती वन। जैसा इसका नाम है आद्र, आद्र का मतलब क्या होता है, गीली भूमि, ठीक है, यानी कि नमी ज्यादा है, ठीक है ना। तो आद्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अब देखो आद्र पर्णपाती वन जैसा नाम है, यानी कि वर्षा की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा रहती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर रहती है, शुष्क पर्णपाती वन के अंदर रहती है 70 से 100, और यहाँ पे इससे ज्यादा हो गई 100 से 200। तो यदि देखा जाए, तो यदि ये कह दे कि ये जो वन है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यदि ये कह दे कि ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तक होते हैं, तो भी बात सही है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको, हूबहू रटना नहीं है, प्रोग्रामिंग मेथड से चलो उसको समझो चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो पूर्वोत्तर राज्यों में, हिमालय की गिरिपद में, यानी कि तलहटी क्षेत्र होता है उसके अंदर, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा में। अब हो सकता है कि नक्शे में कुछ क्षेत्र इसमें बताए गए नहीं हो, लेकिन और इसमें से ऐसा नहीं है कि जैसे अब पूर्वोत्तर राज्य आ गया तो यानी कि सारे पूर्वोत्तर में यही पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में दूसरे भी होते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि राजस्थान में अपन जो भारतीय नेशनल टीवी माते जो कोई सीरियल बतावे नहीं, मैं राजस्थान री कोई भी स्टोरी बतावे तो राजस्थान में सापा बांधी उड़ा और ए मतलब ई टाइप बतावे कि बिल्कुल वो मारवाड़ी बोले तो ए ई टाइप बता दिया करे, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र गुजरात वगैरह जैसे उड़ीसा वगैरह वहां वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि राजस्थान में ऐसे ही लोग रहते हैं कि पैंट शर्ट वगैरह कोई पहनते ही नहीं, अपा पहरा पैंट शर्ट भी पहरा, सापा जगह सापो भी पहरा, सब कुछ करा, ठीक है ना। तो वो है कि यहाँ पे ये चीज कहने का मतलब कि समझने की बात है कि पूरे क्षेत्र में उस तरीके के वन नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। क्योंकि ये यहाँ क्लियर नहीं करूंगा ना, कमेंट है गुरु जी आपने एक में वो बताया, वो वाले क्षेत्र वहां भी बताया, ये चीज समझने की है। फिर शुष्क पर्णपाती वन जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में और यूपी बिहार वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। यूपी बिहार एमपी के भी कुछ क्षेत्र है जहां पे ये पाए जाते हैं। तो ये है प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक। अब इसमें वृक्ष कौन कौन से आते हैं ये भी प्रश्न बनता है, तो इसमें सागवान आ गए, चंदन, शीशम, महुआ, ताल, आंवला, तेंदू, पलाश, अमलदास, बेल, खैर, अक्षवुड आदि, ये सारे वृक्ष आ गए। अब इसमें से कई सारे वृक्ष की विशेषताएं भी पूछ ली जाती है, जैसे महुआ जो है आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है ये। अब ये अपन ने राजस्थान वाले उसमें भी पढ़ा है, आदिवासियों का मऊड़ी बनावे ना मऊड़ी, ठीक है। शीशम वगैरह ये सारे जो है फर्नीचर के उसमें काम में आते हैं। तेंदू जो है, तेंदू का वृक्ष तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न के हिसाब से, और यूं बूढ़ी और बात को घड़ो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीडी बीडी बने इणु, ठीक है। अब की छाप बने, लंगर छाप बने, 30 नंबर बने, देसाई बने, कोई भी बने, तो तेंदू के पत्ते से बनती है। तेंदू के फल को टिमरू कहा जाता है, वागड़ का चीकू कहा जाता है। तेंदू की लकड़ी सबसे काली लकड़ी है। तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण 1974 के अंदर हुआ है, ठीक है, और तेंदू के पत्तों से ही बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है। और तेंदू के यहाँ पे चलो लिख देता हूं मैं,
क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीय 1974 के अंदर है, ठीक है। अब ये पलाश, ढाक और पलाश जो जंगल की आग कही जाती है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसका वैज्ञानिक नाम है, ये चीज है, ठीक है। और आपके बेल आ गई, खैर आ गया, ऑक्सफोर्ड, ये ठीक है। चलिए, चंदन जो है साथियों कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और शहतूत के वृक्ष पे क्या है, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े, ठीक है। बेर के वृक्ष पे भी एक कीड़ा पाला जाता है जिसका नाम है, बेर का जो वृक्ष होता है ना उस पे पाला जाता है, लेसिफर लखा, जो लाख बनाने की, जिसकी लार जो है लाख बनाने के काम आती है, वो लेसिफर लखा जो है बेर के वृक्ष पे पाला जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि चंदन और शहतूत के जो वृक्ष है वो कर्नाटक में अधिक पाए जाते हैं, और तेंदू के वृक्ष जो है एमपी में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि बीड़ी उद्योग जो होता है ना, तेंदू के पत्ते से जो बीड़ी बनाई जाती है, वो बीड़ी उद्योग में बताते हैं कि महिलाएं ज्यादा वर्क करती है, काम महिलाएं ज्यादा करती। कारण कारण ये बताया जाता है, मैं मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, कई जना क्या गुरु जी ऐसे कैसे, अरे ऐसा ही है। कारण ये है कि बीड़ी जो है मतलब छोटी छोटी बनती है ना, तो महिलाओं के हाथ पुरुषों के अपेक्षा अगर छोटे होते हैं तो वो फटाफट जल्दी से बीड़ी बन जाती है व्यवस्थित, और इसलिए बताते हैं कि महिलाएं इस इन उद्योगों में अधिक काम करती है, बीड़ी उद्योग के अंदर, ठीक है। चलिए, अपने टोंक में बीड़ी उद्योग वैसे प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अब कांटेदार क्यों होगा, कांटे क्यों होंगे, कि ज्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं हो इसलिए कांटों में बदल जाती है पत्तियां, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यानी कि वर्षा की मात्रा होगी कम, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। यदि विस्तार देखा जाए तो राजस्थान, राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान वगैरह वो ज्यादा आता है, गुजरात, एमपी, पंजाब और हरियाणा का कुछ क्षेत्र, ठीक है, ये पश्चिमी लिखा हुआ है, मिस टाइप है, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्षेत्र थोड़े से विस्तार क्षेत्र ध्यान रख लेना। प्रमुख वृक्ष साथियों इनके अंदर देखा जाए, देखो बबूल, मारवाड़ी इनके होंगे बावलियों, ठीक है। अंग्रेजी बबूल भी है और देशी बबूल भी है, ठीक। और अंग्रेजी बबूल तो बहुत फास्ट फैलिया करे, इन्हें कोई पानी आने की नहीं कोई जरूरत है कौन, तो इन्हें क्या कहा करे बावलियों। तो मारवाड़ में थे देखो बावड़िया गणाई है, ठीक है। और आवल बावल की एक संधि भी हुई ही, ठीक है। तो जट तक बावड़िया बट तक मारवाड़, जट तक आवलिया बट तक मेवाड़, यूं कया करें। हालांकि मैंने ये जो बोला है कई विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा, और कईयों को आ गया है, आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो तैर में ठीक है, ठीक। चलिए, बबूल, बेर, खैर, नीम, खेजड़ी, ठीक है। खेजड़ी तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ठीक है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया और पलास वगैरह ये आ गए। इनमें साथियों कई प्रकार की घास, और अब घास भी कहती, ये जो घास है ना ये प्रोटीन युक्त घास, प्रोटीन युक्त, ठीक है, प्रोटीन युक्त घासें और कांटीदार झाड़ियां पाई जाती है, और इसमें लच्छेदार जड़ों में है ना, जड़ों के आसपास लच्छेदार गांठदार घास पाई जाती है, ये इनकी विशेषता है यहाँ के वनों की। आगे बढ़े, चलिए, नंबर 3, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब जैसा इसका नाम है सदाबहार, और सदाबहार कौन होगा, जिसको सदाबहार मिले यानी कि पानी की बहार ज्यादा मिले, ठीक है, सदा मिले, तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर ये होते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे माउंट आबू के अंदर आपको बताना पड़ा हुआ सदाबहार वन, तो जहां पे वर्षा अधिक होगी वहीं पे होने हैं, सदाबहार के लिए भी चाहिए ना पानी। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, ठीक है, अंडमान निकोबार क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य इसके विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। वृक्षों की लंबाई अधिक होती, अब पानी ज्यादा मिले लंबा हो गया बेटा, ठीक है, 60 मीटर या इससे भी अधिक वृक्षों की लंबाई होती है। यहाँ पे यदि पूछे कि वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो साथियों रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, साइडर, होलक आदि। अब कई जना क्या गुरु जी है एनी, एबनी, साइडर, होलक, ए नाम तो अपार कदी, मतलब अड़ी बड़ी में ही नहीं आवे, मतलब पटियोड़ा ही कौन है ज्यादा, अपन ध्यान भी नहीं, अपन तो ध्यान वही है आंकड़ो बावलिया है ए दतूरो महादेव जी घणो चढ़े अबार, तो ठीक है ना। तो यही अपने तो यही गुरु जी ध्यान है अपन को, तो कि नीम, ए नीलगिरी, सफेदा वगैरह ये, तो अपार अटे उगे यही है, तो अपन ध्यान भी वही ए अपार अटे उगे कौन, इसके क्षेत्र कौन से है, अंडमान निकोबार थे गया कहीं, थे कौन गया, ठीक है, पश्चिमी घाट थे गया कहीं, नहीं गया, तो वहां जो रहने वाले हैं वो जानते हैं इनको, ठीक है। तो ये एनी, एमनी, साइडर, होलक वगैरह ये सब वहां पाए जाते हैं। अब अपा तो कोई देखिए कौन, रोज रोजवुड, महोगनी इंटरनेट पे देख लेते हैं,
बाकी को प्रत्यक्ष रूप से चलो घूमने कभी जाए तो देखे, और घूमने जाए तो कोई पेड़ कौन देखने बैठता है, वहां के पर्यटक स्थल देखते, सीधी सी बात है जो है वो कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये है, अब तो क्या अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हो या हम पढ़ाते हैं, तो अपनी दृष्टि तो उन चीजों पे होती है थोड़ी सी, कि उन चीजों को समझे, उन चीजों को देखे, अच्छा ये वो चीज है। लेकिन सामान्य तौर पे यदि घूमने जाते तो थोड़ी देखते हैं कि ये कौन सा एनी एवनी कौन सा है, वही देखो वही अपार के करना, अपार घर थोड़ी ले जाना, यूं हो चाहे, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड हो गई है आपके पूरी, और अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा जो है इसका नाम है ज्वार्य। अब इसमें है ना उपनाम से ही प्रश्न बन जाते हैं, प्रश्न बनने सामान्य तौर पे उपनाम से ही बन जाते हैं, उपनाम से प्रश्न बन जाते हैं कि मैंग्रोव वन किसको कहा जाता है, वेलांचली, ज्वार्य, ये इससे ही बन जाते हैं। तो ये चारों नाम पहले तो ध्यान में रखना, ठीक है। दलदली वन भी इनको कह देते हैं। तो नाम क्या क्या आ गए, ज्वारी आ गए, वेलांचली आ गए, अनूप वन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैंग्रोव वन, दलदली वन भी कहा जाता है। ये स्पेशली डेल्टाई क्षेत्र, अब डेल्टाई यानी कि नदियां जो है सागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो डेल्टा यानी कि वहां पे जल फैल जाता है, तो वो दलदली क्षेत्र होता है, और उस दलदली क्षेत्र के अंदर ये वन पाए जाते हैं। अब वो दलदली क्षेत्र है ना, यानी कि वहां पे पाए जाने वाले वन जो है वो लवणता से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ये समुद्र के पास में होते, तो लवणता तो निश्चित रूप से मिलनी है, तो ये इनकी विशेषता होती है कि ये लवणता से प्रभावित नहीं होते, ठीक है। तो ये दलदली और आर्द्र भूमि में ज्यादा पाए जाते हैं। आर्द्रता होगी, देखो समुद्र के आसपास आर्द्रता होगी, तो आर्द्र भूमि में ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में विश्व के कुल जो मैंग्रोव वन है, जो ज्वारीय वन, विश्व के जितने भी ज्वारीय वन है उसके भारत में 7% उसका हिस्सा पाया जाता है, ठीक है। अपने यहाँ पे भारत के अंदर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि देखो द्वीप है यहाँ, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, ठीक है, इसमें अधिक पाया जाता है। इसके अलावा भी जैसे महानदी है, कृष्णा, कावेरी, इनकी स्पेशली प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनके डेल्टा क्षेत्रों पे ज्यादा पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी जैसे उत्तर भारतीय नदियां हैं, तो वो भी जाके अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में मिलेगी, तो वहां पे यानी कि समुद्र तो अपने प्रायद्वीप वाला क्षेत्र ही बनेगा, इसलिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये वन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सीधी लॉजिक के अनुसार समझो कि क्या लॉजिक है, तो वहां पे ये वन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वृक्ष है वो सुंदरी वन भी कहलाते हैं, सुंदरी वृक्ष भी कहलाते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टाई भाग में ये अधिक होते हैं, इनमें सुंदरी, नारियल, ताड़, बांस, रबड़ आदि, सिंकोना वगैरह ये ज्यादा पाए जाते हैं। और सिंकोना तो आपको पता है मलेरिया की दवाई वगैरह इसके लिए काम में आता है, तो ये है, ठीक है ना। वियतनाम में और वहां इंडोनेशिया में सिंकोना ज्यादा है, बांडुंग में मंडी है इसकी स्पेशली। चलिए नंबर पांचवा पर्वतीय वन, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ हिस्सा पाया जाता है। अब चूंकि हिमालय के अंदर, तो हिमालय में देवदार के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। यदि साथियों ध्यान दिया हो, हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाई थी तो हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो जो ताबूत उनके होते थे ना, हड़प्पा कालीन जो लोगों के जो ताबूत, जो शव रखने की जो पेटी होती है ताबूत, वो देवदार की लकड़ी से बनती थी, और वो लकड़ी जो है वो उत्तर भारत से मंगाते थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं कश्मीर से और इधर से मंगवाते थे लकड़ियां, ठीक है। तो ये देखो वहां से पूरा का पूरा लिंक बैठता है। तो देवदार के वृक्ष है, चिनार है, ठीक है ना, ये सालर है, सालर के वृक्ष है, ठीक, और इसके अलावा आपके सिल्वर फर है, जूनिपर है, ये सारे वहां पे अधिक पाए जाते हैं। इनकी भी लंबाई ज्यादा होती है इन वृक्षों की भी। और नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय जो दक्षिणी भारत वाली पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की, पालनी की पहाड़ियां, यहाँ पे पाए जाने वाले शीतोष्ण वन, यहाँ पाए जाने वाले, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने कहीं भी उष्ण कटिबंधीय नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पाए जाने वाले शीतोष्ण वन जो है वो 16 कहलाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और जहां जहां आपको पता है मैंने क्लासेस में इंपॉर्टेंट कहा है, वो वास्तव में इंपॉर्टेंट ही रहा है। तो ये वन जो है वो 16 कहलाते हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर आपके आ जाता है साथियों मग्नोलिया, लेरेल, सिंकोना आदि, ये वृक्ष आ जाते हैं। अब ये सिंकोना जो है इंडोनेशिया में बहुत पाया जाता है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। तो ये वृक्ष जो है इनके अंदर बहुत आयात से पाए जाते हैं, मुख्यतया ज्यादा पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से स्लाइडें हो गई है पूरी, हाँ बिल्कुल हो गई है, पता नहीं चला, देखो मुझे खुद पता नहीं चला कि क्लास पूरी होगी, और क्लास
कैसी रही वो आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत समय बाद में आई है क्लास और अभी जो है महादेव की कृपा से ही क्लास आ रही है, नहीं तो क्लास नहीं आ पाती जहां तक मैं समझता हूँ। तो बढ़िया, मेरे हिसाब से क्लास आपकी जो एक लंबे समय बाद में जो आगाज होना चाहिए था, जो एक संतुष्टि अंदर से आनी चाहिए, वो मुझे आ रही है कि हाँ अपने वापस फिर से वो शुरुआत एक बढ़िया ट्रैक के साथ में की है और इसे अब कंटिन्यू अपन को रखना है। मैं मेरी तरफ से पूरी कंटिन्यूटी रखूंगा, बशर्ते आपको कंटिन्यू रहना है। अब होता क्या है, ऑनेस्टली बताऊं, होता यह है कि पहली, जैसे कोई पहली क्लास या ऐसी कोई आती है ना, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं विद्यार्थी, अरे वापस स्टार्ट हो गई, फिर दो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, लास्ट में अभी जैसे पहली क्लास है ना, दो चार दिन के अंदर 1,00,000 स्टूडेंट के करीब देख लेते हैं, हकीकत बता रहा हूं। फिर कंटिन्यू कितने रहते हैं, कंटिन्यू रहेंगे जो कंटिन्यू क्लासेस देखेंगे वो रहेंगे 20,000 से 25,000 विद्यार्थी। ऐसा नहीं है अपने यहाँ पे कंटिन्यू तो रहते हैं, लेकिन एक प्रतिशत देख सकते हो कि सीरियस स्टूडेंट का प्रतिशत कितना है। मैं यहाँ पे कहना यही चाहता हूं कि हार जीत होनी नहीं होनी सब अलग बात है, लेकिन प्रयास करना अपना धर्म है। जिसने प्रयास ही नहीं किया तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे नजर में वो नगण्य है, वो शून्य है। ठीक है, वैसे शून्य श्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर भी जिसने प्रयास नहीं किया वो फिर बाद में वो ही इधर उधर छींटा कसी वगैरह वो सब करते हैं, तो उसमें मतलब नहीं है। आप लोगों को रहना कंटिन्यू है, जब आपको मैं कंटिन्यू क्लासेस दे रहा हूं तो आप लोगों को भी कंटिन्यू रहना है। ठीक है, तो अपनी क्लासेस पूरी देखो शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। अब तो आप लोगों की डिमांड पर मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको करवाने वाला हूं, रिविजन क्लास भी रहेगी, और ये 4-5 महीने आप सेकेंड ग्रेड वालों के लिए 4-5 महीने आप यूं समझ लो कि आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा, बहुत तगड़ी तरीके से होगा। और जो ये कह रहे थे कि वन लाइनर सर सेकेंड पार्ट की, इसकी जो वन लाइनर है साथियों, अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पहले हैं, तो पहले फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर आएगी, उसके जस्ट बाद में कुछ एक दो टॉपिक लिखने बाकी है। मैं जल्दबाजी के साथ में कोई भी चीज नहीं देना चाहता, जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं मैं वो चीज दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अधिक से अधिक वो के विद्यार्थी बहुत डिमांड कर रहे हैं, अपन फेंक दो कोई भी चीज, अधिक से अधिक बिक्री इसके मतलब नहीं है, गुणवत्ता से मतलब है कि गुणवत्ता विद्यार्थियों के पास जानी चाहिए। तो वन लाइनर जो सेकंड ग्रेड वालों की है वो साथियों अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक आएगी, जहां तक मेरी कोशिश है वो ये है। ठीक है, तो अब बार बार आपको पूछ के परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सर वन लाइनर कब आ रही है, उसकी कब आ रही है, फलाना कब, डिंगा डिंगा कब, ये ठीक है। और ये जो है आपकी फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर आपके 10-12 अगस्त तक देने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा, और बाकी जो भी चीजें होगी वो टेलीग्राम पे या वीडियो के जरिए आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।